एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी धंजल और मैं हूँ आज रमन के साथ. और बेसिकली वी हैव अ ह्यूज प्लान. ये व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला क्योंकि हम एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे जा रहे हैं. एंड यस, वी आर गोइंग टू अ वेरी फेमस प्लेस क्लोज टू लाइक दिल्ली. और वो अराउंड 4 घंटे के अंदर पहुंच जाते हो. विच प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट? इज आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन उत्तराखंड. मे बी आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी जगह हो सकती है. जब तक हम आपको रोड दिखाते हैं जो कि बन रही है. और ये फ्लाईओवर बन रहा है आपका ईस्टर्न पैराफिरल से लेके सीधा नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक एक्चुअली. एंड यहाँ का सफर बहुत ईजी होने वाला है. कुछ बोलना चाहोगे तुम? आप नहा के क्यों नहीं आए? मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ, वो भी 2 घंटे. मेरा गला भी दुख रहा है, मैं आवाज से पता नहीं चल रहा. चलो हटो, कुछ और क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारे पास. ओके, तुम भी पता है. सो गाइस, आप बने रहिए. शट अप. अब ये भी आधा टाइम नहा के नहीं आता. खुद मेरे साथ पता है. किसी किसी मतलब ठंड वाली जगह तो तुम नहाते ही नहीं हो. रहा आजकल मैं डेली नहाने. अभी जस्ट मैं बर्फ वाली जगह कोई ले जाऊँ उसके बाद तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि मैं अंदर घुस जाऊं नहाने के लिए. हेलो साक्षी जी, हैप्पी वैलेंटाइन. सो गाइस, मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट मिल रहा है मेरे फ्रेंड से. आई होप इसके अंदर कुछ अच्छा निकला. अगर इसके कुछ अच्छा अंदर अच्छा नहीं निकला तो मैं इसको कूड़े में फेंक दूंगी. मैं इसको नहीं फेंकूंगी. मैं इसको फेंकूंगी. ओके, लेट मी ओपन दिस. ये खोल रहा है तो मेरा गिफ्ट यही खोल रहा है. अच्छा, तो दिस इज अ टेडी. ओह माय गॉड, ओके, हैप्पी रोज डे. ये टेडी का गिफ्ट है, हमने बाजी रखो तुम. ये क्या है? सारे उसमें सारे हो गए ना, एक गिफ्ट के अंदर सब कुछ मिल रहा है. टट्टी है ये, तुम ही रखो इसको. और ये मैं पहुंचती हुई जयपुर की गलियों में. ओ बाय द वे, आप लोगों को पता ही चल चुका होगा मैं जयपुर आ चुकी हूँ, जो कि दिल्ली से कुछ 4 घंटे बोला जाता है मगर 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में. इसी के लिए हमारा स्टे यही है. एंड दिस इज द पैलेस विच इज 3-स्टार रेटेड ऑन द गूगल मैप्स. और हमें ये नहीं पता अभी पार्क कहाँ करनी है. फिलहाल ये एंट्रेंस है राजस्थान पैलेस की. रमन, यस आई सॉ दैट. ये एरिया आपके मेन जयपुर में ही पड़ेगा. मतलब नॉट मेन जयपुर, मतलब जयपुर से थोड़ा सा बाहर, नॉट ओल्ड जयपुर ऑल्सो. मैं इसका एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी विद द लिंक. दिस वी बुक्ड बाय एयरबीएनबी एंड दिस इज द एरिया. इजंट इट लुक लाइक अ पैलेस ओनली? सो यस, वी आर गोइंग टू स्टे इन अ पैलेस रिसेप्शन एंड चेक कि इसने सच में बुक करा या नहीं, बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज फ्रॉम हिज साइड. So look at this area. This looks absolutely marvelous, right? And this is their main area. तो ये बहुत ही बड़ी कोठी टाइप्स है with you know buffet system that side. And it play this place have some history. तो उस history के बारे में भी इस walls पे लगा हुआ है. तो आप ये खंजर से देख रहे होगे, it's like बहुत पुराना kind of खंजर. So ये हम जाते हुए room की तरफ. एंड आर रूम इज एट 2nd फ्लोर आई गेस, क्योंकि 202 की भूल गए. और जो ये सारी हैं ये वॉल पेंटिंग्स आपकी हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माई रूम. ये इट्स गोना बी बिग, इट्स गोना बी ह्यूज. सो भाई ये रूम नंबर क्या है? 402. सो दिस इज माय रूम एंड दिस एक्चुअली लुक राजस्थानी स्टाइल एंड दिस इज ब्यूटीफुल. एंड जो ये है सामने की वुडन हैंडमेड स्क्रिप्चर पेंटिंग है. लुक एट द बेड, इज इट इज नाइस. अब मैं टर्न ऑन करती हूँ यहाँ की लाइट. तो पहले मेरा रूम आ जाओ हमेशा की तरह. सो दिस इज द एरिया, अलमारी वाला जहाँ पे आप सामान रख सको. आई कीप माई लैपटॉप है. दिस इज द वॉशरूम. आई रियली वॉन्ट जैकुज़ी बट जैकुज़ी मिला नहीं, बट दिस इज एक्चुअली नाइस. वाओ, डिड इट लुक नाइस? रेट इट बड़ा बट से. कैसा लगा आप लोगों को? और प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलेगी बाकी के ब्लॉग में, तो बने रहना. ये है हमारे होटल का मेन्यू जो कि कतई महंगा है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे दाल बाटी चूरमा की, जिसमें सबसे महंगी चीज़ है,
फोर पैक पर्सन के लिए वो है 3,200 की, फोर पैक पर्सन के लिए, चार लोगों के लिए। रवन ठीक रहा, तुमने क्या हो गया, तुम क्यों खांस रहे हो? ले लेना फेस। तो हमने ऑर्डर करी जोमैटो की, मात्र 204 रुपए का हमारा टोटल हुआ है, जिसमें से हमारे जोमैटो वाले लिए 230 रुपए की थाली। एंड आप ऐसा कर सकते हो, और इसमें आया है मूंग दाल का हलवा फ्री एक तरीके से, 200 का था बट हमें 50% ऑफ मिल गया। 200 तो बहुत कम ही है, पर थाली 199 की है हमारी, जिसमें है हमारी दाल मखनी, आई गेस पनीर, चावल, बट ठीक है क्वांटिटी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ नॉट पनीर, हाँ पनीर नहीं आया इसमें, कट गया हाँ।